नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, लैंसीडोन उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत छावनी शहर है, जो गढ़वाल का द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लैंसीडोन भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। इस शहर को ब्रिटिशों द्वारा बसाया गया था। इसका पुराना नाम कालू डांडा था, जिसका अर्थ गढ़वाली भाषा में काला जंगल या घना जंगल होता है, यानी जहां हमेशा घना कोहरा लगा होता है। बाद में इसका नाम लॉर्ड लैंसीडोन के नाम पर रखा गया। लैंसीडोन गढ़वाल राइफल्स का गढ़ भी है। लैंसीडोन में सेंट मेरी चर्च, दरबान सिंह संग्रहालय, भीम पकौड़ा, ताड़केश्वर महादेव, टिफिन टॉप और स्नो व्यू पॉइंट जैसे मनमोहक दर्शनीय स्थल हैं। लैंसीडोन खूबसूरती में तो बेमिसाल है ही, पर यहाँ से जुड़े भूतों के किस्से भी उतने ही लोकप्रिय हैं, जो हृदय में एक सिहरन सी पैदा करते हैं। इन किस्सों में सरी भूत का किस्सा या फिर लंबे हाथों वाली एक बुढ़िया का किस्सा, जो रात में लोगों से अपने पोते के बारे में पूछती है जो कि किसी खाई में समा गया था। पर इन सब किस्सों में सिर कटे सफ़ेद घोड़े पर सवार एक अंग्रेज अफसर मेजर वार्डल का किस्सा सबसे अधिक लोकप्रिय है। दरबान सिंह नेगी के साथ लड़ने वाले मेजर वार्डल के भूत का किस्सा उस समय दुनिया के सबसे चर्चित भूतों के किस्सों में से एक था। मेजर वार्डल के भूत के किस्सों को लेकर कई अंग्रेज अधिकारियों के अपने व्यक्तिगत अनुभव थे, जो उनके इंग्लैंड चले जाने के बाद देश दुनिया के सामने किस्से व कहानियां बनकर चर्चा का विषय बन गए। ऐसा कहा जाता है कि मेजर वार्डल एक बेहद सुयोग्य अधिकारी थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे अपनी सेना के साथ फ्रांस गए थे और फ्रांस में जर्मनी से युद्ध करते करते वे शहीद हो गए। उनका मृत शरीर कभी नहीं मिला और 23-24 नवंबर 1914 को उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। संभवतः वे युद्ध में मारे जा चुके थे, पर उसी रात मेजर वार्डल की आत्मा अपने प्रिय रेजिमेंट लैंसीडोन में लौट आई और उन्हें अक्सर सफ़ेद घोड़े पर सवारी करते हुए देखा गया। लैंसीडोन में उस समय सैनिकों के अलावा सिविलियंस भी थे, जिन्होंने मेजर वार्डल के भूत को देखा था। वे हमेशा घोड़े पर सवार दिखते थे और उस समय ड्यूटी पर तैनात सैनिकों का निरीक्षण करते थे। यदि छावनी में कोई सोता हुआ पाया जाता था या फिर ठीक से वर्दी न पहनी हो, तो ऐसे में यह भूत उनके सिर पर मारकर उन्हें जगाता था। यह भूत लिखित रूप से भी शिकायत करता था। यह भूत अपनी रेजिमेंट से बेहद लगाव रखता था और उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेजर वार्डल के बारे में तब के ब्रिटिश अखबारों में लिखा गया था कि वह युद्ध भूमि में शेर की तरह लड़ा और मारा गया। पर हमें बेहद अफसोस है कि हमें ऐसे जांबाज अधिकारी का शव तक नहीं मिला। लोगों का कहना था कि शव का क्रियाकर्म न होने से वार्डल की आत्मा भटकती होगी, पर साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि 1947 में अंग्रेज जब भारत छोड़कर चले गए, तो उनके बाद मेजर वार्डल के भूत को भी कभी नहीं देखा गया। अपने रेजिमेंट से बेहद लगाव रखने वाले इस अंग्रेज अफसर की आत्मा भी शायद उन्हीं के साथ वापस चली गई। यह भूत अपने रेजिमेंट की उन्नति से पूर्णतः संतुष्ट रहा होगा और शायद इसी कारण इस आत्मा को शांति मिली होगी। वहीं कुछ लोग अभी भी मेजर वार्डल के भूत को देखे जाने का दावा करते हैं और कहते हैं यह आत्मा अभी भी छावनी में घूमती है। तो दोस्तों, अब आप बताइएगा कि आपको यह किस्सा कैसा लगा, और अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।